जवानी में सब आदमी बिखिया होता है, समझ में आया कि नहीं? क्या अभी आप लोग का भी उम्र है, उड़ लीजिए उड़ लीजिए, लड़कियां कम नहीं होती है सर। ये सब भीतर का गुंडा, लड़का तो सचुआ थेथर होता है, कोनो को देखना रहेगा तो खुलेआम देख लेगा। हमरा देख रही है क्या? लड़की ऐसा नहीं करेगी, दो गो सहेली लेके चलेगी, सहेलिया से पूछेगी देखो तो हमको देख रहा है। कौन सी अच्छी जी ज्योग्राफी? अरे तुम लोग के लिए नया है, हमारे लिए कौन सी डेली का दाल चावल है। आप लोग के लिए ना थोड़ा ताज्जुब करते होंगे, हमारे कौन सी मतलब बनता है। आप लोग के लिए कोई एबीसीडी पढ़ाना होगा आप लोग को कहीं जाके तो क्या पूछेंगे? कल सी फॉर कैट पढ़ा दिए थे, ओहो आज डी फॉर डॉग पढ़ाएंगे, क्या मतलब बनेगा इसका? स्टार्ट करो जाए, जल्दी बैठो अपनी, बैठ जाओ। स्वागत है सर आपका। भैया हमारा स्वागत काहे करेगा? नहीं मैंने हमरे एप्लीकेशन पे तो हमरे स्वागत कर। वाह वाह भाई वाह, स्वागत है आप। ये है डिजिटल इंडिया, मास्टर लोग का स्वागत हो रहा है विद्यार्थी लोग द्वारा। वाह देखो भाई, ज्योग्राफी में लाइव वाले लोग और ये वाले लोग सब लोग ध्यान से समझिएगा। ज्योग्राफी का आपको टोटली 4 हिस्सा है। पहला है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी इसको हम लोग कहते हैं खगोल विज्ञान। कौन सा? खगोल विज्ञान। खगोल को उल्टा लिखा गया। देखो भाई पहले ही दिन हम आपको चेतावनी दे देते हैं, हमसे मात्रा इंग्लिश हिंदी गणित सब में गलती हो जाता है। एस्ट्रोनॉमी। उसके बाद आता है जियोलॉजी, जियोलॉजी इसे कहते हैं भूगर्भ विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान। इसके बाद आता है 3 नंबर आपका टोपोग्राफी, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी को हम लोग कहते हैं भू मतलब भू स्थल विज्ञान होता है, भू आकृति जिसे कहते हैं भू आकृति विज्ञान, भू आकृति। इसके बाद आता है आपका ज्योग्राफी, जियोग्राफी जिसके बैच में आप आए हैं जिसे कहते हैं भूगोल। यही है आपको पढ़ना है भूगोल। इसमें आप समझिए एक चीज, जो एप्लीकेशन क्लास था ना, ज्योग्राफी का बैच एक्चुअली एप्लीकेशन पे चल रहा था। सर्वर एक सर्वर का अपनी कैपेसिटी होती है, एक के दिन में अगर ज्यादा लड़का एडमिशन ले लेता है ना तो वो सर्वर क्रैश कर जाता है। उसकी कैपेसिटी होती है कि एक बार में कितने एडमिशन को वो दे सकता है। तो अचानक हो गया था तो ये बैच का सर्वर क्रैश हो गया था, जिस वजह से काफी दिक्कत आई थी। उन लोगों को हम ये पढ़ा दिए थे खगोल विज्ञान अंतरिक्ष के बारे में, ठीक है। उन लोग को जियोलॉजी भी बता दिए थे, टोपोग्राफी भी बता दिए थे। उन लोग के लिए मेन बचा था क्या जी? ज्योग्राफी, ठीक है। तो अभी क्या है कि हम यहां से शुरू करेंगे तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा अजीब लगेगा कि भाई ये तो हम पढ़ लिए। तो एक काम करते हैं, इस बैच में हम इधर से इधर चल देंगे, कोई दिक्कत है? इससे फायदा क्या होगा कि जो लड़के एप्लीकेशन पे यहां तक पढ़ लिए उनके लिए बोर भी नहीं लगेगा, भैया अपना चल जाएगा सब। जाए सब ज्योग्राफी वाला सर्वर उड़ा दिया है सब। सबसे अजीब उटपटांग बैच यही था, सर्वर उड़ गया था। तो आप लोग को कहां से पढ़ना है? ज्योग्राफी से। क्या ये नहीं पढ़ाएंगे? ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, वो चल जाएगा, सब फिर आप अस्थिर पढ़ लीजिएगा इसको, किसी को दिक्कत नहीं ना। तो अभी इस सब की तो चर्चा नहीं करेंगे हम। मेन चर्चा किस पे है? ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी का कुछ हिस्सा आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, वो आपको पढ़ना है मैप में। कहाँ पढ़ना है? मैप में। क्योंकि मैप 2 टाइप के होंगे, 2 हिस्सा में। मैप एक होगा इंडियन मैप, जो आपका सुबह में कितने बजे चल रहा है? 10 बजे। एक है आपका वर्ल्ड मैप, ये आपका शाम 6 बजे चलेगा। तो कुछ हिस्सा आपको इंडियन मैप में पढ़ना है, कुछ हिस्सा आपको वर्ल्ड मैप में पढ़ना है। तो ज्योग्राफी में विशुद्ध ज्योग्राफी जो चीज है बस वही पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ से ज्योग्राफी वाला टॉपिक पढ़ना है, इसमें ये चीज छोड़ देंगे जो मैप में पढ़ना है। जैसे आप कहीं भी ज्योग्राफी पढ़े या किताब में पढ़ेंगे, स्टार्ट होगा भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत उत्तरी गोलार्ध में है, 17 देशों अलग अलग राज्यों के 17 ऐसे राज्य हैं भारत की जो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा राज्य है, 2.5% पूरे विश्व का क्षेत्रफल है। क्या मतलब बनता है इस सब का? ये सब कहाँ पढ़ना है? मैप में। ज्योग्राफी में नहीं है। यहाँ पर ये सब चीजें आपको कहाँ पढ़ना है? मैप में पढ़ना है। जिसको साउंड में प्रॉब्लम है, आवाज थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, मतलब आवाज बढ़ा लीजिए, यहाँ बढ़ाएंगे तो सबको दिक्कत होने लगे। तो ये सब चीजें क्या यहाँ पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। यहाँ आप मेन स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी का आज के क्लास में हम आपको एक इंट्रोडक्शन बता देंगे कि ये ज्योग्राफी है। जिसको आज का इंट्रोडक्शन समझ में आ जाएगा ना, उसको ज्योग्राफी हलवा लगेगा। रियलिटी में एक के क्लास है आज का ज्योग्राफी वाला। यही समझ गए जो तो समझ जाएंगे, सोच लो ज्योग्राफी है क्या। बाकी बच्चों वाली चीज होती है ज्योग्राफी, इससे बड़ा कुछ नहीं होता है। स्टार्ट किया जाए ज्योग्राफी, उससे पहले आप लोग को नियम कानून समझा देते हैं हम बाबू। यहाँ कोई ईयरफोन लगा के आएगा, कान सहित नोच लेंगे, चिंगम उंगम खा के आओगे भाई, मुंह हाथ तूर तार देंगे, कोई इसमें हमारी कोई गलती। फर्स्ट क्लास में आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। अगर आपके मोबाइल में रिकॉर्डिंग देख लिए लड़कियों का, या फिर गर्ल्स लेट आती हैं या फिर टाइम से भी आती हैं, आप अगर पीछे से हुटिंग की है, आवाज शोरगुल की है, तो हम आप भाई बहू आपको अपना लॉस करेंगे। मेरा ज्यादा गुस्सा आएगा, सीसीटीवी कैमरा खोलेंगे, फिर उनका हम जो उपाय करेंगे चैम्बर में ले जाके अपने, वो एगो दूसरा रूम है स्पेशली, वहां कोई सीसीटीवी कैमरे में नहीं है, आप वहां से आप कहीं और भी जा सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। आप हो सकते हैं कि धीरे धीरे ज्योग्राफी छोड़ के आप एस्ट्रोनॉमी में भी जा सकते हैं। समझा गया? चलो भाई। और एप्लीकेशन वाले लोग, आपका एक दो टॉपिक जो इसमें बचा हुआ था, उसको आप बाईपास से निकाल देंगे, साइड साइड से आपका, आप उससे टेंशन नहीं लीजिए। अब हम लोग को कहां से पढ़ना है ज्योग्राफी में? भूगोल। क्या पढ़ना है? भूगोल। सबसे पहले भूमि गोल है ये नहीं है, भूगोल है ही नहीं है, पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी टेढ़ है, इस टाइप की है। पृथ्वी कैसी है? इस टाइप की, यही है हमारी पृथ्वी। इसको गोल बना दिया गया सब झूठ बोल के, ठीक है। ये क्या है? जियोड है। क्या है? जियोड है। पृथ्वी क्या है? जियोड। आप खुद देखिए ना, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे गढ़ा है, कहीं समुंदर है। क्या ऐसा समुंदर रहेगा? अगर पृथ्वी ऐसे बनाते हैं गोल, इस टाइप का चपटा हल्का सा संतरा नारंगी छोड़ा कुछ भी, तो इसमें समुंदर कहाँ रहेगा? तो पनियर डगर जाएगा। यहाँ पे गढ़ा रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? और इसमें हिमालय पर्वत कहाँ है? हिमालय पर्वत भी तो होना चाहिए। तो भूगोल जो है ना, सबसे पहला पृथ्वी गोल है ये नहीं है, टेढ़ है। ऐसी टेढ़ आकृति को क्या कहते हैं? जियोड। टेढ़ आकृति क्या करेंगे? जियोड। बैगन भूजिएगा ना तो कैसा बन जाता है? जियोड। कहीं से ढचक पचक जाता है। आलू देखेंगे तो किस टाइप का है? जियोड टाइप का है उसमें। तो अब इसको अध्ययन करने के लिए एक एवरेज दिया गया। एवरेज मतलब क्या है? जो ज्यादा है उसे कम करिए, जो कम है उसे ज्यादा कीजिए, इसी को क्या कहा जाता है? एवरेज कहा जाता है। तो देखिए, इसके बीच से एक एवरेज लाइन गुजार देते हैं, दिख रहा है? ये कैसी लाइन है? एवरेज लाइन है, मीन लाइन बोल सकते हैं इसको। जो ऊंचा था उसके नीचे से गया है, और जो नीचे था उसके ऊपर से गया है। तो ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन को ही हम जियोड कहते हैं। क्या कहेंगे? जियोड। तो पृथ्वी की आकृति पूरी गोल नहीं है, इसको सबसे जबरदस्ती गोल बनाया गया है, और उसी को क्या कहते हैं? जियोड। और इस जियोड का अध्ययन क्या कहलाता है? जियोलॉजी। क्या कहलाता है? जियोलॉजी। मतलब इस जियोड के अंदर घुस के पढ़ दीजिएगा तो उसको क्या कहेंगे? जियोलॉजी। और इस जियोड के ऊपर पढ़ लीजिएगा तो जियोग्राफी। क्या हो गया? जियोग्राफी। ऊपरा ऊपरा पढ़ेंगे तो जियोग्राफी, और घोंप के अंदरवा पढ़ेंगे तो जियोलॉजी। अब आपको एगो आलू देते हैं हम गरम, ठीक है, गरम आलू दे देते हैं। आप पहले क्या कीजिएगा? उसको ठंडा कीजिएगा। जब ठंडा उंडा हो जाए, आपको लगेगा ठंडा है, तो ये अंगुरिया कोचिएगा उसमें, क्या होगा? अंदरवा धधकल लाता है उससे। समझ गया? धधकल लाता, बस वैसे ही पृथ्वी है, बाहरवे से बस ठंडा हुआ है। अगर अंदर घोपेंगे तो सोचो अंदर ज्वालामुखी है, धधका देगा आपको। तो हम लोग को क्या पढ़ना है अभी? जियोग्राफी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ज्योग्राफी के बारे में। अब ज्योग्राफी दो टाइप का, इंडियन ज्योग्राफी जिसमें बेसिकली आपको इंडिया पर फोकस रखना, दूसरा वर्ल्ड ज्योग्राफी। बैठा लीजिए बबनी, आप भी देख रही है उस पर जगह नहीं है तो वह खड़ा होकर झांक रही हूँ, कहाँ घसकेगी? वहां सबका क्षेत्रफल ठीक ठाक है, पतली पतली लड़कियों के बीच में बैठी है। यहाँ देखो, यहाँ चार को सब छोटा छोटा सा, यहाँ बैठ जाओ कहीं कहीं बबनी, कहीं घसका लो भाई उसको, बैठा लो अपने दुबले पतला, हाँ का अट जाएगी उतना में ज्यादा। आप भी देखिए ना कि कहाँ, मतलब अब जगह बैठने लायक है कहाँ नहीं, मतलब आपको भी समझ में नहीं आता है। टाइम जाया कीजिए आप लोग। इंडियन ज्योग्राफी से चालू करेंगे हम लोग, क्योंकि हम अपना हिंदुस्तान वाले से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? वर्ल्ड ज्योग्राफी। यही आपको समझ में आ जाएगा ज्योग्राफी कितना बच्चों वाली चीज है। भारतीय जो इंडियन ज्योग्राफी में हमें केवल इंडिया के बारे में ही पढ़ना है, ना कि कोई विदेश में। भाई नक्शा थोड़ा सा गड़बड़ बन जाएगा, पास से दिखता नहीं है कि कौन सा एरिया कहाँ है। आप लोग को दूर से एकदम क्लियर समझ में आता हो, पास से ना बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है, ज्यादा मुड़ गया कम मुड़ गया पता ही नहीं चल पाता है पास से। इस वजह से रफली बता दिए यहाँ पर। ये इंडिया, इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हमें मुख्य रूप से क्या पढ़ना है? इंडिया। ए बकलोलिया यहाँ देखो, बैठले यहाँ जिंदगी बिताना है, 40 मिनट का क्लास बीतेगा, केवल 40 मिनट बाद खत्म। तनियों से जगह है उतने पे रह जाइए, यहाँ डेरा थोड़ी है आप लोग का। यहाँ देखते हो लड़का सब जमीन पे बैठल है, एको बार शिकायत करेगा नहीं। उन लोग का पहले दिन नखड़ा, ओ माय गॉड, ये पढ़ा पढ़ाएंगे कि देखो बाबू अभी पढ़ाएंगे ना, अभी आधा घंटा तक इन लोग को बैठाने में लगेगा और उसके बाद वो इन लोग का शिकायत रहेगा कि सर जी हम ही को काहे डांटते हैं। अरे वो हम इतने महान है जो इसका प्रयोग नहीं करते हैं। बैठा बाबू जल्दी उसको। इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हमें भारत के बारे में पढ़ना है। अब जब भी कभी कोई किताब या जब भी आप ज्योग्राफी का सवाल आता होगा आप लोग को, तो मन में एक सवाल आएगा, कौन सी जनजाति कहाँ है, कौन सा जलप्रपात कहाँ है, नदी कौन सी है, ट्रेन कौन सा है, हाईवे कौन सा जाएगा, पर्वत कैसी होगी, मिट्टी कौन सा होगा, यहाँ पे रबी फसल कौन है, खरीफ फसल कौन है, जीवमंडल रिजर्व क्या है, नेशनल पार्क क्या है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान क्या है, पर्वत कहाँ है, पठार कहाँ है, मैदान का पगला जाएगा लड़का ज्योग्राफी। कुछ नहीं है रे बबुआ ज्योग्राफी में, बस चार गो चीज पढ़ना है आपको, चार चीज। यही समझे, जैसे बोलते हैं ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, तो चार अक्षर भूगोल का पढ़े सो विद्वान हो जाए। बस चार ही अक्षर आपको पढ़ना ही है, इसी में पूरा ज्योग्राफी है। इसी को नहीं समझ पाता है लड़का। ये हिंदुस्तान है। जैसे आप कभी भी देखेंगे किसी, आप चिकन खरीदने जाइए या फिर कुछ खरीदने जाइए, होटल में जाइए, तो आपको चार पांच गो चीज पहले पूछ देता है, वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन, माने शाकाहारी है कि मांसाहारी है। तो पहले ही वहां से दो गो कैटेगरी डिवाइड कर दिया, अब वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन में जाएंगे तो दो गो चीज पूछ देगा, बोनलेस या बोन वाला, माने आपको हड्डी वाला पसंद है कि बिना हड्डी वाला, और इधर वाला में अपना पूछेगा। तो हर चीज की कुछ ना कुछ कैटेगरी होती है, रफली आप उसे क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, रफली बांट सकते हैं। तो भारत को देखेंगे ना, बड़ी विविधता है, लेकिन रफली आप भारत को कितने भाग में बांट सकते हैं, चार भाग में। रफली कितने भाग में बांट सकते हैं, चार। ज्योग्राफी में ऊपर का एरिया उत्तर कहलाता है, नॉर्थ। ऊपर का एरिया क्या कहलाता है, नॉर्थ यानी उत्तर। नीचे का दक्षिण, दक्षिण कहलाता है। ये हो गया दक्षिण, ये वाला एरिया पूरब और ये वाला पश्चिम। आधा इंग्लिश आधा हिंदी हो गया, चलेगा। ये ऊपर वाला क्या होता है, उत्तर यानी नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। हिंदी में उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, ये दिशा होता है। तो भारत में पर्वत श्रेणी, भारत में क्या हो जाएगा, पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला कहाँ गए भैया, भारत में ज्यादातर पर्वत श्रृंखला भारत की उत्तर में ही है। ये पूरा का पूरा ये एरिया देखेंगे ना तो पहाड़ है, क्या है, पहाड़। और इसमें कई लेयर के पहाड़ हैं सब ससुरा, एक दो लेयर नहीं है, पहाड़ का पूरा लाइन से खानदान बिछल है इन सब का। नीचे वाले को कहेंगे हम लोग शिवालिक, इसे क्या कहते हैं, शिवालिक। ऊपर वाले को हम लोग यहाँ पे हो जाएगा आपका मध्य हिमालय, इसको कहते हैं बृहद हिमालय और इसे कहते हैं ट्रांस हिमालय। अब किसी को इतना फुर्सत नहीं है तो चुपचाप कह देता है हिमालय, लेकिन हिमालय क्या है, चार कैटेगरी में। हिमालय कितना है, चार कैटेगरी में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत? उत्तर भारत में हमको क्या मिलेगा, पहाड़। क्या उत्तर भारत में कहीं मैदानी क्षेत्र मिलेगा, नहीं। मैदानी क्षेत्र कहते हुए लड़कों के दिमाग में एक ऐसी भावना आती है कि यहाँ खेती होता होगा। नहीं भैया, खेती से मतलब नहीं है। मैदानी क्षेत्र मतलब जमीन बराबर कहीं पहाड़ देखने को नहीं मिलेगा, समतल। कोई जरूरी नहीं कि मैदानी क्षेत्र तो खेती होगा ही होगा। जमीन बंजर है, नहीं होगा। खाद उद कम डालेंगे, नहीं होगा। बरसात नहीं होगी, नहीं होगा। जैसे बिहार एक मैदानी क्षेत्र है, पानी खूब ज्यादा आ जाएगा, बाढ़ में डूब के फसल खराब हो जाएगी। पानी नहीं बरसेगा, जैसे आरा वगैरह साइड में, गया साइड में इस समय पानी नहीं बरसा, डूब गया वहां पे, मतलब फसल सूख जाती है। तो मैदान का मतलब ये हरगिज नहीं होता है कि वहां पे बारिश मतलब वहां फसल होगी, लेकिन हाँ ज्यादातर मैदानी क्षेत्र फसल के लिए अच्छी होती है। तो भारत को आप बांटे तो पहली कैटेगरी कौन सी बांटे, पर्वत श्रृंखला। पहली कैटेगरी पर्वत श्रृंखला, पहली कैटेगरी कौन सी होगी, पर्वत। इस पर्वत श्रृंखला को जब नीचे उतरते हैं तो ये वाला जो एरिया आता है, ये एरिया, यहाँ पर पहाड़ नहीं मिलता है, इस एरिया में पहाड़ नहीं मिलते हैं सर। तो इसे कहते हैं मैदानी क्षेत्र। क्या कहेंगे, मैदानी क्षेत्र। इस एरिया में पहाड़ नहीं है, मैदानी क्षेत्र। तो ये किसके लिए है, खेती के लिए। ये मैदानी क्षेत्र हो गया, ये खेती के लिए। इसके जब नीचे उतरते हैं तो यहाँ पर पठारी क्षेत्र है। पठार जो होता है वो ना पहाड़ होता है ना मैदान होता है, मतलब वो पहाड़ की तरह बहुत ऊंचा नहीं होता है और मैदान की तरह बहुत नीचा नहीं होता है, वो दोनों के बीच का एरिया होता है। दोनों का कैसा होता है, बीच का एरिया। जैसे कुतुब मीनार को समझिए तो सोचा पहाड़ टाइप का हो जाएगा, और इस बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर समझिएगा तो मैदान हो जाएगा, और आप लोग अभी पठार पे बैठे हैं, मतलब बीच का एरिया। पठार जो होता है इसके ऊपर का जो एरिया होता है वो उबड़ खाबड़ नहीं होता है, बस हाइट होता है लेकिन उबड़ खाबड़ नहीं होता है, जिस वजह से वो वहां रहने के लिए अच्छा हो जाता है। मतलब सड़क वड़क बन जाती है, वो समतल रहता है मैदान की तरह ही। मैदान को अगर जैक लगा के उठा दीजिएगा तो क्या बन जाता है? पठार। और उसी को ऐसे कोना निकालेंगे तो क्या बन जाता है? पर्वत। कोना निकाल देंगे तो पर्वत। क्या हो जाएगा? पर्वत। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। नीचे ये बोलिए, नीचे में है तो मैदान, नीचे में तो मैदान, उठाएंगे तो पठार। ये कितना ऊंचा है, कितना उठाएं, आखिर एगो सीमा होना चाहिए ना। तो 1000 मीटर। अगर यह 1000 मीटर या उससे नीचे है, 1000 मीटर या उससे नीचे है तो क्या कहेंगे? मैदान। और अगर ये 1000 से ऊपर हो गया तो उसे क्या कहेंगे? पठार। उसे क्या कहेंगे? पठार। क्या कहेंगे भाई? पठार। 1000 है बाबू रुद्र प्रसाद, 1000 है, गलती से आप 10000 लिख दिए। 1000 है वो, गलती से जीरो, उत्साह में लड़का पहला क्लास है, दाब जीरो अपने है तो दाब दे हमें। चलिए देखिए ये हो गया, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक में? तो ये कैसा क्षेत्र है? पठारी क्षेत्र। आप बताओ भाई, पठारी क्षेत्र ज्यादा ऊंचा होता है कि मैदानी क्षेत्र? पठारी क्षेत्र ऊपर, दिमाग लगा रही हूं। मैदानी क्षेत्र, लड़की जो सोचती है सब लड़का ऊंचाई में पठारी बोल रहा है, हमें अलग रहना चाहिए, भले गलत है तो क्या हुआ, अलग रहना चाहिए, कुछ यूनिक रहना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, भले गलत है तो क्या। कॉन्फिडेंस लड़कियों का बहुत जबरदस्त रहता है। ध्यान से, यहाँ दिल दिमाग सब यही रख के पढ़िए लोग। आपको अगर 100% कंसंट्रेशन के साथ अगर यहाँ है ना, आपको घर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहीं से स्टार्ट हो जाता है आपकी बर्बादी की कहानी। जिस लड़के को घर पढ़ने की जरूरत पड़ गई या उसे ऐसा लग गया कि सर जो पढ़ाए उसको घर रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, बाबू आपके लिए वहीं से बर्बादी का टाइम चालू हो गया। आप बर्बादी के उस पटाखे में माचिस मार चुके हैं जो बस पलीता जलने का इंतजार है, फिर आपको क्रायोनिक इंजन की तरह बर्बादी की दुनिया में लेके चल जाएगा। जीवन में याद रखे भाई, क्लासरूम में अगर नहीं याद हुआ तो कहीं नहीं याद होगा। हम अपना स्टूडेंट लाइफ खत्म कर दिए, आज तक मेरा नोट्स नहीं है, अब तो बुढ़ौती आ गया, जिंदगी का टाइम खत्म करने वाले हैं, आज तक नोट्स नहीं है। हद तो तब हो जाता है जब हिसाब किताब का भी नोट्स नहीं है, मतलब किसको कितना सैलरी दिए, कितना क्या, ये सब का भी नहीं। आप एट ए टाइम वहां पढ़िए। ये फर्स्ट क्लास है इसलिए हम आपको कह रहे हैं, ताकि आप बार बार हम आपको नहीं समझाने वाले हैं, हमका आदत है आएंगे टॉपिक पढ़ा के चल जाएंगे। आपको अगर यहाँ 100% कंसंट्रेशन नहीं है, आपका रिजल्ट नहीं होगा। कॉपी के पीछे लिख लीजिए और उसको एक आराम से लिख लीजिएगा कि सर ने बोला था यदि क्लास में 100% कंसंट्रेशन नहीं है तो मेरा रिजल्ट नहीं होगा। और 4 साल बाद इस बात को पढ़िएगा। वहां पे यहां जिसको याद नहीं हुआ, घर के भरोसे बैठेंगे तो दुनिया बहुत तेज दौड़ रही है। जो लड़का यहां पढ़ के यहां याद कर लेगा, वो घर पे कुछ नया पढ़ेगा। एग्जाम में आप दोनों को एक साथ बैठना है, रौंद के चल जाएगा वो आपको। अदर कट ऑफ चल गया, पीछे कट ऑफ चल गया। हाँ बोलिए। हाँ, लघु हिमालय। अब अभी देखो, अभी आपका हिमालय का टॉपिक जब पूरा बताएंगे ना तो सब कंप्लीट बता देंगे। आपका आंसर क्वेश्चन सही है, लघु हिमालय मध्य वाला जो है उसमें उसी का दूसरा नाम होता है। तो हम जब हिमालय टॉपिक आएंगे ना तो हिमालय की हर एक चोटियां, पूर्वांचल हिमालय, कुमायूं हिमालय, गढ़वाल हिमालय, पंजाब हिमालय, असम हिमालय, ट्रांस हिमालय, सचर जोन, ये सब बताएंगे। अभी ओवरऑल हम बता रहे हैं इसे। जैसे घर बनता है तो कैसे मिस्त्री ढाल के चल जाता है, दूसरा मिस्त्री आता है प्लास्टर करने, उसके बाद आएगा पेंट मारने, फिर आएगा वायरिंग करने, फिर बेड कुर्सी लगेगा। एक के टाइम सब नहीं ना होता है। घर बन रहा है, कौन मिस्त्री एगो चौकी लेके खड़ा है, एगो सोफा, एगो किचन है, घर बनाना है, जोड़ दे ले बन के लो, नहीं बनेगा। ठीक है, आपका जिज्ञासा सही है, आपका क्वेश्चन एकदम सही है। तू लोग हंसता है बेवकूफ कहीं का, लड़की बहुत होशियार है। ये जगह कौन सा है भाई? पठार। अब बच गया चौथा कैटेगरी। चौथी कैटेगरी बच जाती है, उसे हम लोग कहते हैं तटीय मैदान, जो समुद्र के तट पर है, कोस्टल प्लेन। क्या कहेंगे? कोस्टल प्लेन। ये हो गया माउंटेन रेंज, ये हो गया प्लेन, ये हो गया प्लेट्यू, अब ये हो जाएगा कोस्टल प्लेन। कौन सा? कोस्टल एरिया। कोस्टल मतलब क्या होता है? समुद्री क्षेत्र। कोस्टल मतलब समुद्री क्षेत्र। अब भाई कोस्टल क्षेत्र अगर ये है तो हम लोग का यहाँ पे लक्षद्वीप भी है। क्या है? लक्षद्वीप आइलैंड है। इधर क्या है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार है, ये है। हमें हिंदुस्तान को कितनी कैटेगरी में बांट दिए हैं? 4। कितनी कैटेगरी में बांटे हैं? 4। टोटल 4 कैटेगरी में हमने हिंदुस्तान को क्या कर दिया? बांट दिया। पहला बोलिए तो पर्वतीय क्षेत्र। बाबू इसमें से कुर्सी निकाल लीजिए, अब एक कुर्सी दे दो उसको। कहाँ गई? टोटल कितनी कैटेगरी में बांटे? चार। ये पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, पठारीय क्षेत्र और ये कौन सा समुद्री क्षेत्र, तटीय क्षेत्र तथा द्वीप। तो तटीय क्षेत्र और द्वीप को हम क्या करेंगे, एक ही कैटेगरी में पढ़ेंगे। जितना तटीय क्षेत्र और द्वीप है इसको किस कैटेगरी में पढ़ेंगे, एक ही कैटेगरी में, अलग से इसके लिए कैटेगरी नहीं बनाएंगे। टोटल कितने क्षेत्र हो गए? चार। अब आप जरा एक बात बताओ कि क्या ये जो पर्वतीय क्षेत्र है ये दक्षिण दिशा में है कि उत्तर दिशा में? तो किताब में लिखा है उत्तर का विशाल पर्वत श्रृंखला। अरे भाई लड़का पहले पढ़ के पगला जाएगा, उसका माथा दुखाने लगेगा, इतना बड़ा टॉपिक पढ़ना। सीधा बोलो ना पहाड़ है, उक्त देख के नहीं। भाई कौन बकलोल बोलेगा कि दक्षिण में है? एक नाम क्या किसी कोई छोट लग रहा है? हिंदुस्तान के पार से ऊपर हेल गया है 2400 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर है तो मैं विशाल पर्वतीय क्षेत्र। अरे पर्वतीय क्षेत्र गोली मारिए यहाँ पे, नहीं समझे तो का नाम लिखता है उत्तर का विशाल पर्वतमाला, यहाँ से वहां ले पगलाएगा। ये उत्तर का विशाल मैदानी क्षेत्र, भैया उत्तर में ही है, ये कोई इसको दक्षिण में नहीं बोल रहा है। ये मैदानी क्षेत्र, ये कौन सा है पठारी क्षेत्र, ये तटीय मैदान तथा द्वीप। चलो इधर समझिए लोग ध्यान से सब लोग, क्या जो पर्वत या जिस तरह की मिट्टी हिमालय में होगी उसी तरह की मिट्टी यहां होगी? होगी। जब मिट्टी अलग होगा तो क्या जो फसल यहां होगा वो यहां होगा? नहीं होगा। यहां पर क्या जितनी घनी आबादी यहां होगी क्या उतनी घनी आबादी यहां होगी? जो ट्रांसपोर्टेशन जैसे ट्रेन, हवाई जहाज, सड़क, जितनी व्यवस्था यहां होगी उतनी यहां होगी? क्या यहाँ जिस तरह के जानवर पाए जाएंगे ऐसे यहाँ पाए जाएंगे? जैसे जानवर यहाँ पाए जाएंगे यहाँ पाए जाएंगे? जिस तरह के यहाँ के लोग का जीवन होगा, खाना पीना होगा, तौर तरीका होगा, क्या वैसे ही यहाँ होगा? नहीं होगा। जो चीज आप नहीं चिल्ला रहे ना, ये सब ज्योग्राफी का एगो चैप्टर है। जो नहीं अभी चिल्ला रहे क्या है, ज्योग्राफी का चैप्टर है। जो यहाँ पे पेड़ पर, हाँ अलग नाम दे दिया जाएगा वनस्पति। जो यहाँ पेड़ पौधा होगा यहाँ पर, जो यहाँ पे बर्फ कहाँ पड़ेगा? भयानक बर्फ दक्षिण में मैदान पे कि पहाड़ पर? पहाड़ी एरिया पे क्या पड़ता है? बर्फ पड़ता है। अब बर्फ सचुरा इतना पड़ता है कि अगर पेड़ के ऊपर बर्फ जम गया, पेड़ के ऊपर बर्फ जम गया तो पेड़ को उलाट देगा। वो बहुत भारी होता है बर्फ, पेड़ को क्या कर देगा? उलाट देगा। तो जो हम लोग के यहाँ पीपल का पेड़, आम अमरूद का पेड़ ऐसे निकलता है, एकदम लगता है एकदम गाँव का मुखिया यही है, ऐसे निकलता है, ऐसे ही निकल जाता। नहीं कश्मीर में ऐसे हम ही हैं पेड़, बरगद पेड़, पूरा बर्फ जम जाएगा ऊपर, उलाट देगा उसको। तू सब बहुत होशियार है, ऐसे निकलता है सब देखे हैं। इसको शंकु बोलते हैं। कौन? तो शंकुधारी वृक्ष। कौन सा वृक्ष? शंकुधारी वृक्ष। तो इस तरह से कौन हो जाता है? शंकुधारी वृक्ष। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए तो ये वाला एरिया हो गया उत्तर का विशाल पर्वत श्रृंखला। ये बोलिए तो मैदानी, ये तटीय क्षेत्र। इन्हीं चार टाइप का विभाजन को हम अगले 2 महीने तक पढ़ेंगे कि यहाँ क्या चीज है, यहाँ क्या चीज है। बताइए तो ट्रेन का विस्तार सबसे कम कहाँ होगा? हाँ पहाड़ी क्षेत्र। किसमें? पहाड़ी। जनसंख्या का सबसे, जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ होगी? सबसे कम, सबसे ज्यादा मैदानी। अरे ना इसमें चढ़ना है ना उतरना है, एकदम नॉर्मल चीज है। यहाँ खेती उती पूरा भयानक हो गया। इसी में तो है उत्तर बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इसी में तो आता है सब। यहाँ जनसंख्या देखेंगे, बाप रे बाप, उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज्यादा है। भारत को कुल कितने भौगोलिक भाग में बांटते हैं? 4। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है? नहीं, इंडियन मैप में पढ़ना है। अक्षांशीय विस्तार, क्षेत्रफल, उत्तर से दक्षिण लंबाई, पूर्व से पश्चिम लंबाई, आकार कैसा होता है, कितने देशों से समुद्री सीमा बनती है, स्थलीय सीमा बनती है, ये सब आलतू फालतू टाइप का जो क्वेश्चन है ये सब कहाँ देखने को मिलता है? नक्शा। यहाँ हम लोग को एकदम यहीं पे आ जाना है। अब हम लोग कहाँ स्टार्ट करते हैं भाई? पहाड़ी क्षेत्र। तो थोड़ा बहुत इसको देख लेते हैं, फिर इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे और उसके बाद डिटेल से इसकी चर्चा करेंगे। ये जो पहाड़, ये जो मैदान देख रहे हैं, ये सॉरी ये क्या चीज है? पहाड़। ये जो पहाड़ी क्षेत्र देख रहे हैं ये कौन सा पहाड़ है? हिमालय। कौन पहाड़ है? हिमालय। हिमालय पहाड़ है। हिमालय पहाड़ पहले तो था ही नहीं, पहले वहां पर एक सागर था, 33 सागर। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ना है भाई। ये एक ऊपर जमीन थी जिसका नाम था गोंडवाना, अंगारा लैंड, नीचे जमीन थी गोंडवाना लैंड, और यहाँ पे भारत था। यहाँ पर क्या था? भारत, दक्षिण भारत। और जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है ये कहाँ था? ऊपर था। यहाँ पे तो था ही नहीं, भारत बस कहाँ था? नीचे था। ये जम्बू द्वीप। बीच में सागर कौन था? 33 सागर। ये क्या किया ना, धीरे 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 आगे बढ़ के तेथी सागर को क्या कर दिया, बंद कर दिया। तेथी सागर को क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब कोई गड्ढा है, सपोज कीजिए, कोई देखे होंगे आप, मसाला जब बनता है ना सीमेंट का घर बनाने के लिए, तो देखते होंगे चारों ओर ऐसे मसाला डाल देता है, बीचवा में पानी डाल देता है, देखते हैं, और उसका धीरे 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 उसको ढकना चालू करता है चारों ओर से मसाला सीमेंट का। बस वैसे ही समझिए, दोनों ओर से जमीन थी, ये धीरे 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 क्या किया, बंद करना चालू कर दिया। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों आपस में क्या हो गए सर, सट गए सर। बीच का जो तेथिस सागर था, कौन सागर, तेथिस, वो क्या हो गया, गायब हो गया। क्या हो गया, गायब हो गया। लेकिन आप बताइए, जब ये दोनों आपस में ज्वाइंट हुए होंगे तो यहाँ की जमीन, जो बीच वाली जमीन है, कठोर होगी या मुलायम होगी? जब ज्वाइंट हुआ होगा तो मुलायम होगा। क्यों? अब ये समुंदर था, हुआ कहां से था, टाइट हुआ से ढलाई सीमेंट था, गाँव में नहीं ना, वहीं था। तो अभी दोनों की गति रुकी नहीं थी, ढकेल रहा था। तो ढकेलेगा तो आप बताइए, आटा सान लीजिए और दोनों ओर से ढकेलिए तो आटा किधर से उठेगा, बीचवा से उठ जाएगा। बस यहाँ तेथिस सागर था, इस सटा के पानी इधर उधर फेंक दिया, और जो गीला एकदम गीला गीला टाइप का मिट्टी था उसको सटा सटा के ढकेल दिया। आई ढकेलना चालू किया था, जानते हैं कितना साल, 11 करोड़ साल पहले। कितना साल पहले, 11 करोड़ साल पहले। एक और को सेंटीमीटर घसकाएगा हर महीने तो सोचिए, 11 करोड़ में गुड़े 12 करिए तो आपको महीना आ जाएगा, साल आ जाएगा। 11 करोड़ साल में फिर आप कितना से गुड़ा कर दीजिए, 12 से, कितना हो जाएगा, एक और इंच घसकाएगा तो यहाँ का जो एरिया था इसको खसका के मिट्टी क्या हो गई, ऊपर उठ गई। और जब ये मिट्टी ऊपर उठेगी, आप ही बताइए बबुआ, आटा सान दिए आप, ऐसे ले जाकर ऐसे उठा दीजिए तो बिचवा में से आटा ऐसे उठ जाएगा। आकर ले जाकर धूप में रख दीजिए, धूप में रख दिए, 4 दिन बाद ये आटा कैसा हो जाएगा, एकदम टाइट हो जाएगा। टाइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वैसे ही हिमालय भी सूख के ऊपर क्या हो गया, टाइट हो गया। लेकिन ऊपर फिर पानी मारेंगे तब गीला हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बस वही हो जाता है। हिमालय पे भी कभी कभी बारिश जोर से हो जाती है ना, तो याद आता है कि हम तो गीलवा माटी के बनल है, डगर जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डगर जाते हैं। तो वही कभी कभी हिमालय क्या हो जाता है, डगर जाता है। इसको अपना पुराना याददाश्त याद आता है, कितना साल पहले, 11 करोड़ साल पहले, कि हम तो यहाँ से तेथिस सागर थे और ओकरे कचरा से हम उठ के बनल है, डगर जाते हैं। तो अक्सर सुनाई देता होगा, उत्तराखंड में तबाही आई, भू अपने स्थान से खसक गया तो भूस्खलन। क्या हो गया, भूस्खलन। सुने क्या होता है? अभी उस ससुरा नए नए बनल है, और ज्योग्राफी में करोड़ साल का मतलब कुछ भी नहीं होता है। 11 करोड़ साल को अभी युवा बोला जाता है। हिमालय कैसा पर्वत है, युवा पर्वत। कितना साल पुराना है? अभी ताज्जुब मत हो, अभी ताज्जुब मत होइए। ये जो दक्षिण भारत का पठार देख रहे हैं ना, 16 करोड़ साल पुराना है। उम्र में जेठ है ओकरा से ही, समझ में आ गया? इसीलिए दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो एकदम जुआ गया है। अब जैसे देखिए, हम मट्टी साने, दिया बनाए मट्टी का, या कुछ ऐसा मट्टी सान दिए, ठीक है, इसको आग में डाल दिए 10 मिनट के लिए। एक और मट्टी साने, उसको रात भर के लिए आग में डाल दिए, कौन ज्यादा कठोर हो जाएगा? अब बताइए, वैसे ही पृथ्वी नीचे से गर्म है, ज्यादा खतरनाक कठोर कौन होगा, दक्षिण भारत या उत्तर भारत? ये कितना साल पुराना, हाँ, आइए, 16 करोड़। कितना करोड़, 16। ये कैसा हो जाएगा, कठोर। इसके नीचे से भूकंप आता है ना धब से, तो दाब देता है, यही दाब देता है। ये बकलोल कहेंगे, तोरा से उम्र में बड़ है हम, दाब देगा कि नहीं? जैसे मान के चलिए, आप ही के खटिया पे बाबा बैठे हैं, आप कहिएगा उठना तो उठ जाएंगे ना, उठेंगे नहीं। और छोटका नया नया युवा रहेगा, घसक तो हम आएंगे, घसक जाएगा कि नहीं? बस ये अभी क्या है, नया, नीचवा से कब वो भूकंप घसका देता है, हिमालय चल तो कहता आओ 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 आओ। अच्छा, ओके ऊपर नेपाल है, उत्तराखंड है, दुनिया भर को ढला देता है। तनी सुने कब दक्षिण भारत में भूकंप आया है? क्या है, 16 करोड़ साल पुराना है। और ऊपर वाला, उत्तराखंड में हमेशा देखते हैं तबाही आते रहता है। अभी कुछ दिन पहले देखे, बर्फ पे पिघल गया है। अजब भाले भाई, पूरा मजबूती से अभी वो बना ही नहीं है, अभी पूरा मजबूती से नहीं बना है। तो भारतीय इंजीनियर सब उसमें टाका मार रहा है, सब क्या कर रहा है, टाका मार रहा है सब। तो जैसे उसमें रॉड डाल के उसको मजबूत करता है सर। तो हिमालय अभी कैसा पर्वत है, नवीन पर्वत है। और इस हिमालय पर्वत से नदियां निकलती हैं। क्या निकलती हैं, नदियां निकलती हैं। अब ससुरा यहाँ पे बर्फ कैसे आ गया? ये तो समझ में आ गया कि कचरा था और धकेल धकेल के क्या कर दिया, आराम से उठा दिया। तो आप बताइए, इसे हम फोल्डेड माउंटेन कहेंगे कि नहीं कहेंगे? भाई बिना फोल्ड हुए कोई चीज उठ जाएगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आपको थोड़ा बहुत तो क्या करना पड़ेगा, फोल्ड करना पड़ेगा। तो ये हो गया फोल्डेड माउंटेन। कौन सा, फोल्डेड माउंटेन। तो हिमालय कैसा माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन है। नया है या पुराना है? किस सागर के स्थान पर पड़ा? 33 सागर। इसका जमीन धंस के कहां उठ गया? ऊपर उठ गया। भूसन्नति, जमीन को क्या कहते हैं? भूसन्नति। इंग्लिश मीडियम वाला कितना है? सब सीबीएसई बोर्ड वाला है। ये चार से इधर भी है, ठीक है। चलो, जमीन पे बैठ के पढ़ने में कैसा लग रहा है? हा? हम लोग बचपन में हम लोग के स्कूल का ये नियम था, बोरा लेके जाते थे लोग, एगो ब्लेड और साथ में टिकोरा, ऐसे छील छील के नमक उमक लेंगे। हाँ, अरे बाप रे, आईसीएसई है और उसको जमीन पे बैठा दिया। सही भगवान, आईसीएसई वाला है, इसका फोटो खींचो जी। सीबीएसई बोर्ड में कौन चीज सिखाता है? बस, मे आई कमिंग सर? हाँ, गुड मॉर्निंग। मे आई सिट डाउन? यस सर। बस खत्म। चलो ध्यान देते देखो इधर। हिमालय पर्वत अभी क्या हो रहा है? बन रहा है। क्या हो रहा है? बन रहा है। बात ये करते हैं कि इस पे बर्फ कहां से आ गया? क्या आ गया? बर्फ का। जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो टेम्परेचर गिरने लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम जमीन पर रहते हैं तो अगल बगल के सारे चीज क्या हो गए रहते हैं? गर्म हो गए रहते हैं। हमें डायरेक्ट एनर्जी किससे मिलती है? सूरज से। और अगल बगल का चीज भी क्या हो गया है? गर्म हो गया है। ये दीवार भी हल्का गर्म हो गया होगा दिन भर धूप में, टीना गर्म हो गया होगा धूप में, तो ये सब चारों ओर से धाह मारता रहता है। पहाड़ पे गए ना तो कुछ ये नहीं है, वहां पे पेड़ पौधा भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सीधे आपको केवल किसकी एनर्जी मिलेगी? की। इसलिए वहां टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। क्या बन जाएगा? बर्फ। और बर्फ से क्या निकलने लगती है? नदियां निकलने लगती हैं। क्या निकलेगी? नदियां। आप हमसे सवाल का जवाब दीजिए, देखते हैं समझते भी है। कौन से नदियों में ज्यादा कचरा मिलेगा? दक्षिण भारत की नदी में कि उत्तर भारत? ये पहाड़ी वाले, हम इसकी बातें नहीं कर रहे हैं, मैदानी क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस पहाड़ की बात कर रहे हैं। हिमालय से निकलने वाली पहाड़ों में ज्यादा कचड़े देखने को मिलेगा कि प्रायद्वीपीय भारत से? दक्षिण भारत में भैया ये पुरान हो गया है। कितना साल पुरान? 16 को। ये अब नहीं घिसने वाला है, घिस चुका है, पुरान चावल है, पानी ना छोड़ेगा। समझ में गया? और ये अभी क्या हो रहा है? बन रहा है। क्या हो रहा है? बन रहा है। तो इसमें से कचरा क्या होगा? निकलेगा। बताइए, यहाँ सुरंग बना के थूर थार के निकालना आसान है कि हिमालय में? ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है जम्मू कश्मीर में, जवाहर सुरंग, चिनाब, ये जो जिला टनल, दुनिया भर का टनल सब इधर है। कहीं सुने इधर के बड़का बड़का टनल? जेसीबी उखड़ जाएगा, सोच रहा दांते बकोट लेगा वहां पे जेसीबी। और नहीं, यहाँ पे 16 करोड़ साल पुराना है। ये क्या है? ज्यादा पुराना है। इसलिए इसकी नदियां जो होती हैं, ये जब बहती हैं तो अपने साथ कचरा नहीं उठा के ले जाती है ज्यादा, और ये ससुरा क्या ले जाते हैं? कचरा। इतना कचरा है कि आप पटना में गंगा घाट पे चल जाइए और ऊपर झांकिएगा तो दुनिया भर का मट्टी है। लगता है कि यही नदियां खत्म है, तो फिर समझ में आता है कि नहीं, ओनियों से बह रहा है। पूरा कचरा लेके चलता है। यहाँ पे कहां से बोकोट के लाया है? कहां से लाया? ऊपर। तो हिमालय वाला एरिया में यहाँ पे जो पेड़ दिखेंगे कैसे दिखेंगे? शंकुधारी दिखेंगे। यहाँ की मिट्टियां कैसी हैं? बहुत ज्यादा सख्त नहीं है, सॉफ्ट हो जाती है। अभी आपको ये पढ़ना ही नहीं हिमालय, तो अभी तो हम आपको केवल फिल्म का ट्रेलर दिखा रहे हैं कि पढ़ना क्या क्या चीज है। यहाँ से नदियां निकलेंगी तो कहाँ उतरेंगी? मैदानी क्षेत्र। कहाँ निकलेंगी? मैदानी क्षेत्र। किसी को दिक्कत? मैदानी क्षेत्र में। तो पहाड़ से जब नदियां निकलती हैं, ये हो गया पहाड़, ये पहाड़ है, यहां से नदी निकलेगी। तो यहां पर जब नदी रहेगी तो स्पीड ज्यादा होगा या कम? सबसे ज्यादा स्पीड यही होगा, सबसे ज्यादा स्पीड यही होगा, यहां हो जाएगा। उसके बाद जब यहां आएंगी तो स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड क्या हो जाता है? कम, स्पीड स्लो हो जाता है। यहां पे नदियों ने तोड़फोड़ मचाया होगा कि नहीं? लेकिन अगर यही दक्षिण भारत रहता तो तोड़फोड़ मचा देती हैं। क्यों? दक्षिण भारत की चट्टानें कैसी हैं? एकदम कठोर। और हिमालय की चट्टानें अभी कमजोर है, इसलिए यहाँ से क्या करती है? उठा लाती है, बड़का बड़का पत्थर उठा लाती है। तनी सा घसका ना तो उठा ले आएगा, ले चल पत्थर लेके चलते, सब पत्थर लेके चलाता है। क्यों? क्योंकि ढाल ज्यादा है और एकदम गर्मी में है नदियां, सब एकदम चल पत्थर तो हम उठा के लेके चलते हैं। उलाट पलाट के यहाँ ले आके खूब पत्थर फेंक देती है। यहाँ क्या करते हैं सर? खूब पत्थर फेंक देते हैं सर। यहाँ पत्थर फेंक देंगे। अब आप पत्थर फेंकेंगे बड़ा बड़ा, तो आप बताइए उस पत्थर के बीच में जगह रहेगा कि नहीं रहेगा? भाई पत्थर को कितना बढ़िया से करिए, तनी तनी जगह रह जाता है, मोखा मोखी। अरे छोटा है तो उसको मोखा, बड़ है तो भोंका, अलगे टाइप का होता है, तो छोटा मोटा उसमें क्या रह जाता है बबुआ? जगह रह जाता है। जगह रहेगा कि नहीं रहेगा? अब जब पत्थर फेंक देंगे, जैसे हम आपको बात बताते हैं, ये पानी है, एक लीटर पानी है, इसको जमीन पे गिरा देंगे तो दिखेगा कि ये पानी गिरा हुआ है। लेकिन जो घर बनने वाला पत्थर है, पहले 2 बोरा यहाँ पत्थर गिरा देते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर ही पनिया गिराएंगे, दिखेगा पनिया। इसका मतलब पानी नहीं है, कहाँ चल गया है? हाँ अंदर है, पनिया कहाँ है, अंदर है वहां पे। तो ऐसा प्रदेश जो हो जाता है इसे हम लोग कहते हैं भांवर प्रदेश। क्या कहते हैं? भांवर। कौन सा प्रदेश? भांवर प्रदेश। तो नदियां जब पहाड़ी एरिया में, खास करके हिमालयी एरिया में, पहाड़ों को काटती हैं और नीचे ले आके फेंक देती हैं, तो यहाँ पत्थर जमा हो जाता है और नदियां ससुरा गायब हो जाती है। नदी क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। लेकिन क्या नदी रहती है कि नहीं रहती है? दृष्टिगोचर नहीं रहती है, मतलब आंख से नहीं दिखती है, विजुअल नहीं रहती है, लेकिन नदी यहाँ रहती है। ऐसे जमीन को क्या कहते हैं? भांवर। सबसे कम उपजाऊ जमीन कौन सी होती है? भांवर। भाई साहब यहाँ तो कुछ पेड़ पौधा निकल ही हो जाता है, क्योंकि भैया वहां जमीन है पत्थरीला ही है, तो क्या हुआ कई गो थेथर पेड़ पौधा होते हैं, सब पत्थरे पे निकल जाते हैं। यहाँ यही निकलते हम, यहाँ थेथर होता है ऐसे कि नहीं होता है, तो उधर ही निकल, यहाँ कैसे निकलेगा? पहाड़वा के पैसे घुसेगा क्या अंदर? है अंदर पानी कहाँ जा रहा है? हम भी जाएंगे यहाँ पे? नहीं जाएगा यहाँ पे, तो यहीं रहेगा। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ तक में। और नदी जैसे यहाँ से उतरी ना यहाँ पे, अब नदी कंफ्यूज हो गई। नदी क्या हो जाती है? कंफ्यूज हो जाती है, पता नहीं चला कि हमको जाना किधर है, इधर जाए कि इधर जाए, अजीब हो जाता है। नदियाँ क्या हो जाती हैं? कंफ्यूजन में हो जाती हैं। भांवर प्रदेश के बाद नदियां क्या हो जाती हैं? कंफ्यूजन में हो जाती हैं सर। तो यहीं पे पनिया जमा हो जाता है, यहाँ पनिया क्या हो जाता है? जमा हो जाता है, कंफ्यूजन में हो जाएगी। सब उतरेंगे, अभी एकदम यहाँ पे एकदम स्पीड में थी सर, चलो 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 चलो, धड़ाक दे नीचे गिर जाएंगे, नीचे आ गए हम, किधर जाना है? तो 2 मिनट इसे खोजने लगेंगे सर, तब रास्ता बनेगा, तब नदियां क्या करेंगी सर? आगे जाएंगी सर। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएंगी? कंफ्यूजन में हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या कीजिएगा, कहीं पानी गिरा दीजिए, जैसे फर्श पे कहीं पे पानी गिरा दे जी। शुरुआत में देखिएगा वहां पानी एक के जगह हो गया, देखते हैं एक जगह इतना गोलिया के रह जाएगा टेटार, उसके बाद वो रास्ता बनाए गए, चचा एने से निकलो तो चल चल ओनिए चलिए, तो ओने से सब चल 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 आओ आओ चल चल इधर चल रास्ता से, देखते हैं सचरा उतरता है तो कंफ्यूज आ जाता है, वो जाना किधर है, तो वहां गोलिया कितना रह जाता है, उसके बाद डगर के उछल जाता है। लेकिन जहां उतरा था, जहां वो कंफ्यूजिया था, वहां पानी बहुत ज्यादा मात्रा में जमा रहता है और कंटिन्यू गिराएंगे तो फिर धबाक दे गिरेगा, तो नहीं कंफ्यूज किधर जाना है, अच्छा उधर चल उधरे चल। तो जब शुरुआती एरिया रहेगा तो नदी क्या हो जाती है? पगला जाती है और वहां बिना डायरेक्शन के बहने लगती है और वहां पानी हमेशा लगा रह जाता है। तो बताइए इस एरिया में हमेशा पानी लगा रहेगा कि नहीं लगेगा? और जब बबुआ पनिया लगा रहेगा तो क्या वहां की मिट्टी कभी ठोस हो सकती है? हमेशा क्या रहेगा? कीचड़। हाँ क्या हो जाएगा? कीचड़। अब बहुत ज्यादा मात्रा में कीचड़ की तनिशा, भाई साहब 1 लीटर पानी हम डेली गिराएंगे ना तो इतना कीचड़ हो जाएगा। वहां बड़का नदी है, ऐसे गंगा नदी है, यो वैसे ही उल्टी है, मुंह से हिमालय से उलट गई। यहाँ पे यहाँ पत्थर उत्थर फेंक दी होगी, क्या होगी? पत्थर फेंक दी होगी और उसके बाद इधर चल दी। और जहां यहाँ पे जमा होगी शुरुआत में, वहां की मिट्टी कीचड़ ज्यादा या कम? जहां परमानेंटली कीचड़ लग जाए और बहुत ज्यादा मात्रा में कीचड़ लग जाए, उस जगह को हम दलदल कहते हैं। क्या कहते हैं? दलदल कहते हैं। या दलदल एरिया को ज्योग्राफिकल एरिया में हम लोग भाषा में तराई क्षेत्र कहते हैं। क्या कहेंगे? तराई क्षेत्र। कौन क्षेत्र? तराई क्षेत्र। आप बताइए तो तराई क्षेत्र में बड़का पत्थर आएगा, हाँ यहाँ कैसे आ गया? अगर यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ कैसे आया? इसको यहीं छोड़ देते हैं। आप जब 80 साल के बुढ़ा जाइएगा तो इस क्लासरूम में चढ़ पाइएगा क्या? एनर्जी खत्म हो जाएगा, एनर्जी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बस नदियों को जो एनर्जी मिलती है वो मिलता है ढाल से। किसे मिलता है? ढाल। पहाड़ पर ढाल इतना भयानक था, एकदम हचाक से ढाल था। कैसा था? हचाक से। तो पहाड़ में जो पत्थर उत्थर था, ऐसे सनी साइड में पत्थर था, पत्थर का था, नदी उधर से चल जाओ ना, तो नदियां उधर से जाती है, एक और पकड़ के चल 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 लेके चल जाती है, पत्थरवा उलाट के लेके चल जाती है। इसे यहाँ जवानी में सब आदमी बिखिया होता है, समझ में आएगी नहीं क्या? अभी आप लोग का भी उम्र है, उड़ लीजिए, एक समय आएगा जब डेल्टा बन के पड़े रहेंगे, कुत्ता ना पूछेगा, उड़ लीजिए। समझ में आ गया कि नहीं? अभी आप लोग को ना लड़का को समझ में आता है ना लड़की को समझ में आता है। लड़कियां कम नहीं होती है सर, ये सब भीतर का गुंडा। लड़का तो सचुआ थेथर होता है, कोनो को देखना रहेगा तो खुलेआम देख लेगा, हमरा देख रही है क्या? लड़की ऐसा नहीं करेगी, 2 सहेली लेके चलेगी, सहेलिया से पूछेगी देखो तो हमको देख रहा है। तो वो देख के मुस्कुरा के कही, हाँ तुम ही को देख रहा है, देख रहा। ये सब लड़कियों का वो फॉर्मूला है जिस तरह से मैथ में a+b का होल स्क्वायर। इसे आप लोग नया नया समझते हैं भैया, ये बहुत लोग पर आजमाने के बाद आप पर प्रयोग हो रहा है, इसलिए आप लोग इस अभी चक्कर में मत पड़िएगा। ये जगह कौन सा है? भावर प्रदेश। नदियों का ढाल इतना भयानक था कि ससुरा यहाँ से बड़का बड़का पत्थरवा उलाट दी और यहाँ आने के बाद पत्थरवा धमाक से बैठ गया और ऊपर से ढालो कम हो गया। अब पत्थर कहेगा चलते ले चलते देखते हैं, तो रखे कहे ना तू ये रहो ना जा पाएगा, अब तुम्हें इतना बड़ा हो गया। लेकिन छोट छोट पत्थरवा को लेके चल जाएगी, बालू कंकड़ पत्थर को लेकर चली जाएगी और ये एरिया क्या बना देगी? तराई। तराई कहिए, तराई क्या कहेंगे? तराई। कौन सा जन? तराई। इसके बाद नदियां क्या हो जाएंगी? आगे बढ़ जाएंगी। नदियां आराम से आगे बढ़ जाती हैं। नदियां क्या बढ़ती हैं? आगे बढ़ती हैं। नदियों में हमेशा ये वाला एरिया जो देखेंगे, ये वाला एरिया, यहाँ पानी की कमी होगी ना? नहीं होगी। ये एरिया में पानी की कोई कमी नहीं होगी। यहाँ फसल अच्छा होगा कि नहीं होगा? हमेशा नदियों में पानी आएगा, बरसात के दिन में थोड़ा सा पानी ऊपर चढ़ जाएगा। यहाँ पानी की कोई कमी नहीं होगी। यहाँ पर खाद देने की भी जरूरत नहीं है। काहे खाद देने की जरूरत नहीं है? खाद देने की जरूरत क्यों नहीं है? भाई साहब दुनिया के खेत में से बकोट के लाया है कुछ ना कुछ यहाँ से, सब ले आके इसमें पसार देगा। ले यहाँ पे तो ऐसे जगह को हम कहते हैं खादर प्रदेश। क्या कहेंगे? खादर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? खादर प्रदेश। खादर प्रदेश। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि नदियों में पानी नहीं रहता है, मतलब खादर प्रदेश यही है, लेकिन 4 साल 5 साल बाद कभी कभी ऐसा होता है कि नदियों में बाढ़ ज्यादा आ जाती है। आप देखे होंगे कि बाढ़ का एक फिक्स पैटर्न नहीं होता है, कभी कभी बाढ़ अचानक आ जाती है। लोग कहते हैं कि दूर सर पानी बहुत भयानक हो गया। लॉकडाउन के पीरियड में पानी बड़ी भयानक बरसा था, बाढ़ बहुत भयानक आ गया था, बहुत जबरदस्त बाढ़ आ गया था वहां पर। हम मतलब मेरा एक घर था, तो मेरा घर बाजार में है, तो वहां पे हल्ला बहुत होता है, तो वीडियो नहीं बना पाते थे। तो दूसरे जगह पे एक जगह कहें कि भाई दूसरे रूम में अपना स्टूडियो सेट कर दिए लॉकडाउन में यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए। वही बीच में बरसात हो गया, दोनों के बीच में इतना पानी भर गया कि हम इतना हेल के पानी जाते थे, हाँ डेली। लॉकडाउन में तो बहुत अच्छा लगा, पर्यावरण भी साफ हो गया। पानी इस बार क्या हो गया था? ज्यादा आ गया था। बिहार में बहुत भयानक बाढ़ आया था। तो कभी कभी पानी, नदी का पानी पूरा हेल देता है भयानक, तो वो जो खादर प्रदेश की बाउंड्री थी उसको भी हेल के कभी कभी पानी गांव के अंदर घुस जाता है। क्या हो जाता है? अंदर घुस जाता है। क्या हर साल अंदर घुसेगा? कभी कभी 4-5 साल पे घुस जाता है, और यहाँ लाल वाला पे हर साल घुस जाता है, हमेशा आ जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं खादर प्रदेश। कौन सा? खादर। और इसे कहते हैं भावर प्रदेश। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक हो गया खादर, एक हो गया भावर, सॉरी बांगर। भावर तो ये होगा बांगर प्रदेश। कौन सा? बांगर। ये हो गया बांगर और ये हो गया खादर। खादर और बांगर। आपसे हम पूछते हैं खेती के लिए सबसे खराब जमीन कौन सी है? हाँ भावर। अरे इसमें बिया फेंकेंगे तो कहाँ चल जाएगा पता नहीं चलेगा, पहाड़ वहां के अंदर चल गया। यहाँ पे इसमें तो होगा ही नहीं। तराई प्रदेश, कुछ कुछ ऐसा फसल हो जाएगा जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूजा, ये सब हो जाएगा इसमें, क्योंकि भीगले रहता है। सिंघाड़ा ये सब इसमें हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर खेती के लिए बताइए बांगर अच्छा कि खादर? खादर क्या होता है? अच्छा होता है। खादर क्या होता है? अच्छा होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़े तो ये सब कहाँ देखने को मिलेगा? मैदानी क्षेत्र। कौन सा? मैदानी क्षेत्र में मिलता है, पहाड़ी क्षेत्र में तो देखने को नहीं मिलेगा। एक बात बताइए, यहाँ जो मिट्टी है, यहाँ पे जो मिट्टी है, हर साल यहाँ मिट्टी की परत आएगी कि नहीं आएगी? क्या हर साल यहाँ मिट्टी की परत आएगी? तो किस साल की मिट्टी हर साल अपडेट होती है? खान। तो इसे नई मिट्टी कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? पुरानी मिट्टी। नई मिट्टी और पुरानी मिट्टी। यहाँ पर जो मिट्टी लाया गया है हवाओं द्वारा लाया गया है। किसके द्वारा? जल द्वारा। किसके द्वारा? जल द्वारा। जल द्वारा। कौन सा द्वारा? जल द्वारा। जल द्वारा मट्टी यहाँ से लाया गया है और तरह तरह की मट्टियों को बकोट वकोट को लाया गया है और यहाँ ले आने के बाद इनको मट्टी को क्या किया गया? ओढ़ा दिया गया है। क्या किया गया? ओढ़ा दिया गया है। जैसे चादर कैसे आदमी ऐसे ओढ़ा देता है, इसे ओढ़ा देता है, वैसे ही मिट्टियों ने क्या किया? यहाँ ले आके जल ने क्या किया है? ओढ़ा दिया है। किस जगह की मिट्टी को, किस जगह पर मिट्टी जल द्वारा लाकर ओढ़ा दी जाती है? खादर प्रदेश में। कहां पर? खादर प्रदेश। किस जगह पर नदियां कभी कभी मिट्टी को लाकर ओढ़ाती हैं? हाँ, तो जब कभी भी जल द्वारा, किसके द्वारा? जल द्वारा मिट्टी को लाकर ओढ़ा दिया जाता है। क्या किया जाता है? ओढ़ा दिया जाता है। तो उसको कहते हैं जल द्वारा ओढ़ी गई मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी। सुने हैं? अरे सब पढ़ ले होगा सर। हाँ ये बता, तो राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी आएगा? जम्मू कश्मीर में? हाँ तो हम पढ़ाए नहीं है तो बता कैसे दिया सर। उत्तराखंड में, बिहार में? अरे बाप रे, आ गया कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जहां नदियां ज्यादा वहां जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। लेकिन एक और समस्या है, आप में से कितने लोग देखते हैं समझदार बता सकता है कि नहीं? जलोढ़ मिट्टी यहां पाई जाएगी, नदी तो इधर भी है, कृष्णा कावेरी नर्मदा ताप्ती गोदावरी सब तो इधर है। हाँ सच्चा ओढ़ाएगा कौन ची को? इतना ना जमीन कठोर है कि इसके यहाँ कचरा है ही नहीं है, कचरा है ही नहीं है, ओढ़ाएगा कौन ची को? नहीं ओढ़ा पाता है। तो यहाँ ओढ़ाने के लिए इसके पास नहीं है, तो इसे खाली पानी आके चल जाता है, चलो हम जाते हैं। और उत्तर भारत में जलोढ़ मिट्टी की कितनी कैटेगरी होती है? कौन कौन? नई जलोढ़ जिसे हम खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ जिसे हम बांगर, ड्यू टू हार्ड सॉइल। हाँ संतोष शर्मा सीबीएसई बोल रहे, ड्यू टू हार्ड सॉइल देयर इज नो एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल बोलता है। सो जलोढ़ मिट्टी को सीबीएसई वाला क्या कहता है? एलुवियल। कोनो लेने देना नहीं है। हिंदी में कितना बढ़िया, जल द्वारा ओढ़ा दिया जलोढ़। ओ में कौन जो है? एलुवियल। इसीलिए आईसीएसई सीबीएसई वाला इसे हो जाता है। हाँ समझ, ये सब पुराना खाते, ये सब जो है सब सीबीएसई वाला कौन चीज है पता है? भावर है सब। समझ कौन है? भावर। हिंदी मीडियम वाला खाद हर साल कुछ ना कुछ नया सीखता है, चाय की दुकान पे कुछ सीख जाएगा, कोई कुछ सीख जाएगा। सीबीएसई वालों को समझ में नहीं आता। ओ माय गॉड क्या बात हो रहा था यहाँ। आते हैं अपने टॉपिक पे। ये बताओ बाबू, आप लोगों में से किसी को भी ज्योग्राफी पढ़ना ही नहीं है। रीजन समझिए, जिस किताब में ज्योग्राफी लिखा हुआ है उस लिखने वाले राइटर को कैसे पता चल गया कि लिखना क्या है? कुछ ना कुछ सोचा था ससुरा लिखने से पहले। हम वही सोच का ही नहीं सोचे, ओका लिखलका का है पढ़ेंगे हम। नहीं समझे? आपको जलोढ़ मिट्टी में कोई दिक्कत होगा? आराम से समझ में आ गया जलोढ़ मिट्टी कैसे भांवरता जाते याद करने का। हम अभी आपको कुछ नहीं, हम आपको पहाड़ बताए हैं, नहीं अभी हम आपको मैदान बताए, अभी थोड़ा सा ट्रेलर बता रहे हैं कि भाई साहब ये पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे। ये वाला एरिया कौन सा है? पठारे। कौन सा? पठारी। ये वाला मैदान तटीय क्षेत्र। कैसा है? तटीय क्षेत्र है। आप बताइए बहु, जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होती है या नहीं? यहां भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी, यहां पे भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। क्यों? नदियों में लहर उठेगा और बकौट बकौट को ले आके यहां पलट देगी। लेकिन क्या ये उपजाऊ होगा? काहे काहे भाई साहब, समुन्द्र के पानी में आयोडीन बहुत ज्यादा होता है, समुद्र के पानी में आयोडीन ज्यादा होता है। और आयोडीन की खराबी सचुरा इसको नारियल का पेड़ ही बर्दाश्त कर पाता है, बाकी पेड़ नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। तो नारियल के पेड़ इधर कैसे होंगे सर? ज्यादा नारियल का पेड़ ज्यादा, केला का पेड़ भी बर्दाश्त कर लेता है, तो केला का पेड़ भी इधर ज्यादा। तो केरला में जाइएगा तो 5 रुपया का नारियल पानी दे देता है सर, यहाँ 40 रुपये में है, 40 रुपये। तुमको ठग दिया है। तुम खुद सोच बाबू, जो चीज यहाँ पर 40 रुपया है वो बिहार में भी 40 रुपया कैसे हो सकता है? ठग दिया होगा आपको शकल देख के। सीबीएसई बोर्ड के हो? अरे बाबू कश्मीर में ना 15-20 रुपया, 10 रुपया की। हम कश्मीर से पहले पंजाब में ही एक जगह है पठानकोट, उसके जस्ट थोड़ा दूर पे, मतलब आधा घंटा बाद कश्मीर शुरू हो जाता है, वहां 10 रुपये किलो हम सेब खरीदे। कश्मीर में बहुत सस्ता सेब मिलता है। अब आप कहोगे नहीं सर वहां भी 80 रुपया है, तो ठग दिया है। वही ट्रांसपोर्ट कैसे पॉसिबल है? जो चीज यहाँ 40 हो यहाँ 40, ट्रांसपोर्टेशन क्या उड़ के आया यहाँ पे? नहीं हो सकता। यहाँ पर केला ज्यादा होगा कि नहीं होगा? साउथ वाला प्लेट में नहीं खाता है सब, केला का पत्ती बिछाया धड़ 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 रख दिया। अब देखिए, जब कभी भी मिट्टी या ज्योग्राफी का असर पड़ता है तो इंसान की पूरी जिंदगी पर उसका असर पड़ता है। यहाँ प्लेट में खाएगा नहीं खाएगा, थाली में खाएगा नहीं खाता, किस में खाएगा? केला का, क्योंकि वहां केला का पत्ती आराम से हो जाता है, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो नारियल और केला के लिए क्या है? सही है। इसलिए केला के पत्ती में बाउंड्री नहीं होता है थाली की तरह, थाली की तरह बाउंड्री नहीं, इसलिए वहां के आइटम का जो ग्रेवी होता है वो बहुत गाढ़ा होता है, दाल की तरह पंचुछू नहीं होता है, भाग जाएगा उन्हें टेबल पे से करे हमारे भाग लो यहाँ से, नहीं होगा ना। वहां के फसल भी उसी टाइप से होते हैं। ज्योग्राफी हर चीज से रिलेटेड है, बशर्ते आप उसको पढ़ते किस तरह से, सब्जेक्ट बना के पढ़िएगा ज्योग्राफी को ना, तो पढ़ चुके हैं यहाँ पे। बहुत मस्त चीज है ज्योग्राफी, एकदम समझेंगे तो इतना बेहतरीन लगेगा जिसका कोई हद नहीं। तो ये कौन सा मैदान हो जाएगा? तटीय। कौन सा क्षेत्र? तटीय। तो तटीय मैदान में भी हमको कौन सी मिट्टी मिलेगी? जलोढ़, लेकिन वो उतनी उपजाऊ नहीं रहे। ये कौन सा जगह भैया? अंडमान निकोबार द्वीप है, यहाँ पे लक्षद्वीप, यहाँ पे भी क्या है? द्वीप, द्वीप है, वो भी आइलैंड है, ये भी क्या है? आइलैंड। यहाँ पे ज्वालामुखी है। अब आप सोच समझिए, ज्वालामुखी आपको पढ़ना है इसमें, भूकंप ज्वालामुखी इसमें पढ़ना है, तो हम बाद में बता देंगे आपको, ठीक है? अरे इधर से पढ़ो या उधर, बात बराबर है। तो इस में क्या है? ज्वालामुखी है, दो दो को ज्वालामुखी है, नारकोंडम और बैरन, नारकोंडम और बैरन। यहाँ धधकते रहता है, क्या होता है? धधकते रहता है, बैरन वाला तो धधकते रहता है। तो यहाँ से धुआं, राख इत्यादि निकलते रहता है, और यहाँ का एरिया जो होता है पूरा प्रदूषित कर देता है पानी को। ये इसको लोग बोलते हैं काला पानी की सजा, सुने हैं? अंग्रेज सब यहाँ स्वतंत्रता सेनानी को पकड़ता था, यहाँ भेज देता था। काला पानी की सजा कहाँ पर है? अंडमान निकोबार। कजा? अंडमान निकोबार में। तो जलवायु सबकी अलग अलग हो जाती है, जलवायु जो होती है सबकी क्या हो जाती है? अलग अलग हो जाती है। इन्हीं अलग अलग जलवायु के कारण मानव के साथ अलग अलग चीजें होती हैं। यहाँ के जानवर अलग अलग हो जाते हैं, जिसे आपको अलग पढ़ना है। पेड़ पौधे अलग अलग हो जाते हैं, जिसको आपको कभी शंकुधारीपन पढ़ना है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पढ़ना है, सदाबहार वन पढ़ना है, मानसूनी वन पढ़ना है, ये सब के बारे में पढ़ना है। और वहाँ यहाँ कुछ अलग वन पाए जाते हैं, तो वनों के बारे में पढ़ना है। जंगल अगर डिफर होगा तो जानवरों की भी कैटेगरी क्या हो जाएगी? डिफर हो जाएगी। अब उसी में से पूछ देगा कि भैया कहाँ गर्भावस्था पूछ देता है, सांड मतलब गाय का प्रेगनेंसी टाइम कितनी होती है, हाथी की कितनी होती है, सुने ऐसा क्वेश्चन? जलवायु पे डिपेंड करेगा वहां पर कि कैसी वहां की क्या है जलवायु है, वहां उस पर डिपेंड कर देगा। तो हर चीज को पूछता है। अब जैसे देखिएगा कश्मीर या इस एरिया में पहाड़ मतलब पत्थर को काटना उतना टफ नहीं है जितना इस एरिया में, क्योंकि ये क्या है सब पुराने हैं। ये जो पठार है इसे क्या कहेंगे? दक्कन का पठार। कौन सा पठार? दक्कन का पठार। तो ओवरऑल में अभी आपको आइडिया लगा कि हमको पढ़ना कितना है? चार। इसी चार में आप जब तक ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जब तक आपको इसी चार में जितना उठा पटक होना है इसी चार में पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ ना पढ़ना है। जनसंख्या भी इसी का एक चैप्टर होता है ज्योग्राफी का, वो भी यही चार में होगा। कभी सुने दक्षिण भारत में जनसंख्या की समस्या, जम्मू कश्मीर में जनसंख्या की समस्या? यह है यूपी, बिहार, मैदानी क्षेत्र में है, ना भूकंप आएगा ना कुछ होगा ना कुछ, और फसल भी अच्छा होगी, नदी भी अच्छा होगा, उमच के खाएगा। यहाँ सब में क्या हो जाता है? दिक्कत हो जाता है। ज्योग्राफी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है? लाइव वाले आप लोग को पीडीएफ की जो समस्या, आज तो फर्स्ट क्लास में आपको पीडीएफ कहाँ से दे देंगे, फर्स्ट क्लास है, अभी आराम से चलिए, एक दो क्लास में आपको पीडीएफ। अभी बताए क्या है आपको, अभी तो बस इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे आपको क्या करना है, पढ़ना है। ओवरऑल आपको ज्योग्राफी में पढ़ना कितनी चीजें? उत्तर का इसी में आप पढ़ेंगे दर्रा कौन सा है, हाँ जो जिला दर्रा। इसी में आप टनल पढ़ेंगे, कौन सा सुरंग कहाँ पे है। इसी में आपको पढ़ना है पर्वत चोटी, नंदा देवी पर्वत चोटी, कामेत पर्वत। चार गो पर्वत दे देगा कि सीक्वेंस में सटाइए, पश्चिम में कौन, पूरब में कौन, केटू कौन सा, सब इसी में ना पढ़ना है आपको, यहीं पे पढ़ना है। यही पहाड़ जो होते हैं सब, कौन पहाड़? ये सब पहाड़ जब बादल उड़ के जाता है ना, बादल उड़ के तो उसको ठोक देता है, सर इधर कहाँ, उधरे रहो वहां पे। तो बादल को जब ऐसे ठोक देता है सब ना, आप जैसे देखिए कड़ाही में आप खाना बनाइए या कोई चीज सब्जी बनाइए, उसमें से भाप बन के जा रहा होता है, ठीक है? आप अपना पहाड़ की तरह हाथ लगा दीजिए इस तरह से, यहाँ मान के ऐसे हाथ लगा दिए, यहाँ पानी लग जाता है कि नहीं? खूब ज्यादा लगा देंगे तो क्या होने लगता है? टपकने लगेगा यहाँ पे। बस वैसे ही जगह जगह से भाप बन रहा है, किसी का पोखरा है सूरज की रोशनी से उसका पानी भाप बन के उड़ रहा है, नदी का, नाला का, कचरा जितना है, समुंदर उड़ रहा है। और वही ऊपर जाके इकट्ठा हो गया तो क्या हो गया, बादल हो गया। वो तैर रहा है, इसे जा रहा है, इसे जा रहा है जाके कि यहाँ पे कोई इसको रोकने वाला है? कोई रोकेगा जी इसको? वही उत्तराखंड में जाएगा तो क्या कर देगा, रोक देगा। सब बादल यहाँ से निकला था समुद्र के पास से, यहाँ तो कोई उन सबको बोलने वाला नहीं है। समुद्र के पास यहाँ ना कोई किसी का घर है, ना पेड़ है, ना कुछ है, चल दिया सब यहाँ से। यहाँ रेगिस्तान है राजस्थान में, इधरों कोई रोकने वाला नहीं है। एक बार आवली पर्वत वो भी ऐसे है, अरे ऐसे रहता तब ना रोकता, ऐसे यहाँ से सीधे बादल निकलेगा सर, चलो भैया अपने सब एरिया है, धाए दे जाके लड़ेगा कहाँ पर, उत्तराखंड में धमाक से लड़ेगा। वहां पे बारिश एकदम अचानक भयानक हो जाएगा, लोग कहें बादल फट गया, जा तबाह कर देता है उत्तराखंड को। यहाँ पर तो सब चीज की अवस्थिति डिपेंड करती है। अगर यहाँ से हिमालय पर्वत हटा दें, देखिए हम यहाँ से क्या हटा दिए, हिमालय पर, भारत में एक ठोप बारिश ना होगी, काहे सब बादल चल गए से, चला चिल्लाते रहो बरसो रे मेघा मेघा, जा चलते यहाँ पे बरस जाता है, बरसेगा नहीं बरसे। तो मानसून से लेके A to Z चीज पूरा ज्योग्राफी बबुआ कितना चीज में पढ़ना है। जिसको ये आइडिया लग गया कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो इस चार में कहाँ पे पढ़ रहे हैं, काम खत्म, उसका पूरा काम इसी में हो जाता है।